हेलो दोस्तों, दुनिया में कई तरह के फूल पाए जाते हैं जिनमें कई प्रजातियां ऐसी होती हैं जो काफ़ी सुंदर होती हैं। फूलों की यह सुंदरता इनके रंग बिरंगे बाह्य दलों की वजह से होती है जो काफ़ी आकर्षक होते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी ही पुष्प प्रजाति के बारे में जो काफ़ी आकर्षक और सुंदर होती हैं। फूलों की यह प्रजाति है कमल। दोस्तों, वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है तो इसे अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कमल वनस्पति जगत का एक पौधा है जिसमें बड़े और सुंदर फूल खिलते हैं। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबियन न्यूसीफेरा है। फारसी में कमल को नीलोफर और अंग्रेजी में इसे इंडियन लोटस कहा जाता है। संस्कृत में कमल के पौधे को कई नामों से जाना जाता है। इसमें पद्म, पंकज, सरोज, जलज, नीरज प्रमुख नाम है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल का पौधा झीलों, तालाबों, गड्ढों में उगता है। यह धीमे बहते हुए या रुके हुए पानी में उगता है। यह एक दलदली पौधा है जिसकी जड़ें कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में ही उग सकती है। कमल दुनिया के सभी भागों में पाया जाता है। यह पौधा पानी में ही उगता है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उष्ण भागों ईरान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है। कमल का फूल मुख्यतः सफेद या गुलाबी रंग का होता है। इसके पत्ते लगभग गोल और नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। कमल के पौधे में तने लंबे होते हैं जो खोखले और सीधे खड़े देखे जाते हैं। यह पानी के नीचे कीचड़ में चारों ओर फैल जाते हैं। कमल के पौधे की पत्तियां गोल गोल और बड़ी थाली के आकार की होती हैं, जो एक पतले डंठल के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इन पत्तियों को पुरीन कहा जाता है। कमल की पत्तियों पर पानी की बूंदें ठहरती नहीं हैं। कमल के तनों की गांठों पर से जड़ें निकलती हैं। इसकी जड़ें मोटी और सुराखदार होती हैं। सूखे के दिनों में जड़ और अधिक मोटी हो जाती है। कमल की जड़ें पानी के नीचे कीचड़ में फैली रहती है। कमल के फूल काफी आकर्षक और बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकर्षक फूलों में संतुलित रूप में अनेक पंखुड़ियां होती हैं। दोस्तों, कमल के पौधे और इसके फूलों के कई सारे व्यापक उपयोग हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। कमल के पौधे की पत्तियों की लंबी डंडियों से एक खास तरह का रेशा निकाला जाता है जिससे मंदिरों में दीपों के लिए बत्तियां बनाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके रेशों से तैयार किए गए कपड़ों को पहनने से कई रोग दूर हो जाते हैं। कमल की मोटी और सुराखदार जड़ को मुरार कहा जाता है, जिसे तोड़ने पर एक सूत निकलता है। सूखे के दिनों में पानी कम होने पर जड़ अधिक मोटी हो जाती है। लोग इसकी तरकारी बनाकर खाते हैं। अकाल के दिनों में गरीब लोग इसकी जड़ को सुखाकर इसका आटा पीस लेते हैं और अपना पेट पालते हैं। हिंदू मंदिरों में कमल के पुष्प का इस्तेमाल देवी देवताओं को चढ़ाने में किया जाता है। देवियों में खास तौर पर माता लक्ष्मी और पुरुष वर्ग में भगवान विष्णु को समृद्धि और भगवान शिव को मोक्ष प्राप्ति के लिए कमल चढ़ाया जाता है। कमल के बीजों का उपयोग माला बनाने में भी किया जाता है, और बौद्ध विहारों में भगवान बुद्ध को कमल चढ़ाया जाता है। एशियाई देशों में कमल को सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको कई जगह पर अचार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोरिया में कमल की जड़ से बनी चाय का सेवन किया जाता है। कमल के पौधे के रेशों से कमल रेशम नाम का एक अनोखा कपड़ा इनले झील म्यांमार और सीएम रीप कंबोडिया में तैयार किया जाता है। इस धागे का उपयोग बुद्ध की छवियों के लिए विशेष वस्त्र बुनने में किया जाता है, जिसे क्या थिंगन यह कमल वस्त्र कहा जाता है। कमल के पौधे और बीज का उपयोग कई तरह की औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कमल के बारे में कुछ रोचक जानकारी।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक इसी तरह के रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।